मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत हमीरपुर ब्लॉक में कृषि विभाग द्वारा विभिन्न पंचायतों में किसानों को जागरूक करने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि किसान बेहतरीन खेतीबाड़ी कर सकें और अपनी आजीविका कमा सकें। ये जानकारी कृषि विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ सुरेश पुनियाल ने दी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर ब्लॉक की 13 पंचायतों में किसानों के लिए कृषि जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है तथा किसानों को खेतीबाड़ी के गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि किसान किसानी करके अपनी अच्छी आजीविका प्राप्त कर सकें। अभी तक हमीरपुर ब्लॉक में 4 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें मटानी, सासन, नेरी, अमरोह इत्यादि पंचायतों में किसान शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। प्रत्येक शिविर में किसान काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और किसानी के गुर सीख रहे हैं। शिविर के दौरान किसानों को कृषि विभाग द्वारा बीज भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। वहीं शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे किसान संजीव शर्मा ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा जो ये पहल की गई है सराहनीय है। इसमें किसानों को खेतीबाड़ी करने में बेहतरीन तकनीक बताई जा रही है, इससे किसानों को लाभ मिलेगा। अचर वालों ने हमारी पंचायत दड़ुई के मटानी गांव में आज कैंप लगाया, जिसमें किसानों को पूरी जानकारी दी गई, जो सरकार द्वारा चलाई हुई स्कीमें होती हैं उनके बारे में बताया गया और 100 लोगों ने भाग लिया और साथ में बीज भी वितरण किए गए इनको। चाहिए टाइम टाइम पे लगते हैं काम, सरकार को जागरूक करती रहती है। वहीं कृषि विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ सुरेश बनियाल ने बताया कि ब्लॉक हमीरपुर में किसानों के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि किसान बेहतरीन खेती कर सकें। शिविरों में किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और खेतीबाड़ी करने के लिए नई तकनीक किसानों को शिविर में बताई जा रही है। आज का जो कैंप है वो गांव मटानी में और ग्राम पंचायत बुड़ुई में आयोजित किया गया। इसका जो विषय था वो सॉइल हेल्थ कार्ड डे। इस संदर्भ में 100 किसानों ने भाग लिया और इसमें मृदा के ऊपर जो भी जानकारी थी वो सभी किसानों को दी गई। और इस शिविर में लगभग 70% महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मृदा संबंधी सारी जानकारी जो है वो किसानों को दी गई। इसके अलावा जो विभाग द्वारा तरह तरह की स्कीमें किसान हित में चलाई जा रही हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, उनके बारे में भी विस्तार से किसानों को समझाया गया, बताया गया, ताकि किसान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है किसान की आय दुगनी करने का, उस संदर्भ में जो किसान हैं वो उनकी द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के जो इनकम उसको डबल किया जाए। कार्ड बिल्कुल दिए गए जी। ये जो इस पंचायत में 3 या 4 गांव पड़ते हैं वो सॉइल हेल्थ कार्ड भी हमने किसानों को वितरित किए और उनको उस कार्ड के ऊपर जो रिकमेंडेशन है, सिफारिश की गई है, वो भी बताया गया कि किस फसल में 1 बीघा में नाइट्रोजन कितनी डालनी है या 12/16 कितनी डालनी है, तो उसके बारे में भी उनको बताया गया, रिकमेंडेशन को कैसे फॉलो करना है आपने। पहले तो मैं केंद्र सरकार और प्रदेश की जयराम ठाकुर की सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि किसानों के प्रति जो जितना जोर दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनकी सोच है कि 2022 तक जो है वो किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी करनी है। मैं सरकार का आभारी हूँ कि मेरी ये भी सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंप्स जो हैं वो लगाए जाएं, ताकि लोग जो हैं इस अपनी खेती बाड़ी के बारे में जो हो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। ऐसे जैसे खेती कर रहे हैं तो खेती अपने ढंग से, अपने जैसे पुराने ज़माने में करते हैं उसी ढंग से जो हैं वो आज भी किसान खेती करें। मतलब इस वक्त जो है पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से उसके हिसाब से चलने का समय आ गया है, और जो सरकार का प्रयास है कि 0 बजट खेती और
ऑर्गेनिक खेती पर जो जोर दे रही है, ये हमारी सेहत के लिए, हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। लोग जो हैं वो जैसे यूरिया खाद है, 12/16 है, ये जो सरकार जोर दे रही है कि इसके इसकी यूटिलाइजेशन के लिए थोड़ा परहेज करें, कम करें, और जितना जैसे एक कनाल में कितनी मात्रा बनती है उतना ही ये जो है खाद डालें, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती जो है करने का किसान जो है प्रयास करें। और इस दिशा में जो है हमारी सरकार जो है और हमारा जो डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो इस दिशा में काफ़ी प्रयासरत है और लोगों को जाकर लोगों के बीच में जाकर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को इसके बारे में, जैविक खेती के बारे में समझाया जाए कि जैविक खेती है क्या। जैसे अभी सरकार ने एक स्कीम चलाई है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि देसी गाय जो है ऐसे भी सेहत के लिए बहुत हानि, इसका जो दूध है वो बहुत ही लाभदायक है। जैसे जब देसी गाय का जब आदमी इंसान जो है बुजुर्ग हो के या बोलते हैं गाय दे दो उसको, तो गाय का जो है उसकी जो पूंछ पकड़वाते हैं, तो सरकार इसके ऊपर सब्सिडी दे रही है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ में इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि हर किसान को जो है सब्सिडी दे रही है और सरकार जो है प्रयास कर रही है कि हर किसान जो है वो एक देसी गाय रखे, ताकि देसी गाय से जो भी जीवामृत या कुछ भी बनाते हैं, जो दूसरी दवाइयाँ हैं उनका परहेज कर, जो देसी गाय से जो दवाइयाँ बनेगा जीवामृत वगैरह या कोई दवाई बनेगी इनकी, उसका प्रयोग करें ताकि बीमारियों से छुटकारा मिल सके। और जो अंग्रेजी दवाइयाँ जैसे कोई और दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसका लोग फसलों के ऊपर छिड़काव ना करें। जिला परिषद आशा कुमारी जी, पंचायत समिति सदस्यों, मधु देवी जी, उप प्रधान योगराज जी और यहाँ पर आए हुए बुजुर्गों, माताओं, बहनों तथा भाइयों, आपका पंचायत परिसर में आपका स्वागत व अभिनंदन है। आपने अपना 33 में निकाल कर हमारा सहयोग किया, इसलिए मैं आपका फिर से तह दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने सरकार की चलाई हुई सभी योजनाओं का लाभ उठाना है और खेती बाड़ी को ज्यादा बढ़ावा देना है। इसी के साथ मैं आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।